Redmi 8A Data Uses Notification Setting। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Xiaomi की डिवाइस पर Data Uses Notification Setting कैसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जो है पता नहीं है तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना। वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो है आप डेटा यूजर्स नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये सेट नहीं करते तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आपका जो डेटा है, ठीक है, उसका लिमिट पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है। क्योंकि दोस्तों डेटा यूजर्स सेटिंग यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जो डेटा यूजर्स है वो यहाँ पर कितना तक पहुँचाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर पे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर से करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग पर, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें और दोस्तों आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर जाना है, सेट डेटा प्लान पर क्लिक करना है और दोस्तों डेटा यूजर्स नोटिफिकेशन यहाँ से आप इनेबल कर दीजिए। इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको डेटा यूजर्स नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका डेटा यूजर्स नोटिफिकेशन, जिसको जाके आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो बस ये सेटिंग आप फॉलो अप कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।